तेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। वह जो अनासक्त हो अपने सभी कार्य ईश्वर को समर्पित करता है, उसे पाप स्पर्श नहीं करता, जैसे कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता। राधे राधे। राधे राधे। कैसे हो मुकुंद? हाँ? कैसी चल रही तुम्हारी काव्य साधना? शब्द और स्वरों को साधने का प्रयत्न कर रहा हूँ स्वामी जी, ये तो जीवन भर की साधना है। बिल्कुल सही कहा भाई, आओ बैठो। ये तुम्हारा बेटा है? जी स्वामी जी, इसी के बारे में मैंने आपको बताया था। क्या नाम है तुम्हारा बेटे? रामतनु पांडे, घर में लोग तन्ना भी बुलाते हैं। मुकुंद जी, इसके नाम में तो तान है। बेटा, मैंने सुना है तुम पशु पक्षियों की खूब नकल उतारते हो, हमें भी कुछ सुनाओ। स्वामी जी का आशीर्वाद ले लो बेटा। मुकुंद जी, ये तो स्वर में चहकता है, अब जरा गुर्राओ बेटे। द्रुपद में गुर्राते हो स्वामी जी? काव्य और स्वरों की साधना करने वाले का पुत्र सिर्फ पशु पक्षियों की बोलियां निकालते ना रह जाए, इसलिए मैं इसे आपकी शरण में लेकर आया हूं। आप इसके सर पर हाथ रख देंगे तो इसे जीवन की दिशा मिल जाएगी। बेटे, मेरे साथ सुरों की साधना करोगे? जी। निम्बार्क संप्रदाय के वैष्णव परंपरा के स्वामी हरिदास, जो कभी ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर के दरबार में गवैये रह चुके थे, ने रामतनु को संगीत की ध्रुपद परंपरा में दीक्षित करना प्रारंभ किया। हरि को सोई सब पे, हरि को। तुम्हारा ध्यान कहाँ है तन्ना? झूठ मत बोलना। क्या सोच रहे थे तुम? मैं सोच रहा था कि मैं आप जैसा कब गा पाऊंगा। जब तुम गाने का सर्वोच्च कारण ढूंढ लोगे, यानी सर्वोच्च लक्ष्य, यानी कुछ लोगों के लिए वो उधर पूर्ति है, कुछ लोगों के लिए यश कीर्ति, कुछ लोगों के लिए विलास और कुछ लोगों के लिए योग। जो ही जो ही तुम राखत हो, जो ही जो ही रही तन्ना, जितना मैं तुम्हें सिखा सकता था वो तुमने सीख लिया है। अब
आगे की सुरों की साधना तुम्हारी अपनी यात्रा है। रामतनु पांडे स्वामी हरिदास से संगीत की शिक्षा प्राप्त कर वापस ग्वालियर आ गए। ग्वालियर आ एक ओर वे शिव मंदिर में गाते और दूसरी ओर सूफी संत शेख मोहम्मद गौस से संगत करते। शेख मोहम्मद गौस के प्रभाव से रामतनु पांडे ग्वालियर दरबार पहुंचे। गम धम मग गर रे नी धर धा धा धम मम गग गर रे रे नी धर धर हे धगा मग रे दा। बहुत खूब पंडित जी, बहुत खूब। गुस्ताखी माफ़ो हुजूर, तो एक बात कहूँ। कहो बेजू। पंडित जी का नाम रामतनु पांडे नहीं, पंडित तानसेन होना चाहिए। इनके सुरों में स्वामी हरिदास की भक्ति परंपरा और पीर शेख मोहम्मद गौस साहब की सूफी परंपरा का अद्भुत संगम है। बेजू ने तुम्हें नया नाम दिया, अब हमसे भी कुछ मांग लो तानसेन। गौस साहब से सुना है कि रानी मृगनेनी के गले में सरस्वती बसती है, अगर एक बार उन्हें सुनने का मौका मिल जाए तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझूंगा। ग्वालियर घराने में तानसेन की शैली पर बैजू और मृगनैनी का प्रभाव पड़ा। यहीं तानसेन की मुलाकात हुसैनी से हुई, उनका हुसैनी से विवाह हुआ और राजा मानसिंह की मृत्यु के बाद तानसेन रीवा महाराज रामचंद्र बघेल के यहां चले आए। खुसरो ने जाम के बल बल जाए, खुसरो ने जाम के बल बल जाए, मोहे सुहागन की ने मोसे नैना मिले के, छाप तिलक सब छीने मोसे नैना मिले के। वाह तानसेन वाह, अमीर खुसरो को तानसेन की आवाज में सुना जाए तो शब्दों के अर्थ ही बदल जाते हैं। वाह बहुत खूब। गुस्ताखी माफ दरबार, ये तो अमीर खुसरो के शब्दों का जादू है। अन्नदाता
आगरा से सम्राट अकबर का संदेश लेकर जलालुद्दीन कुर्ची आए हैं। बादशाह चाहते हैं कि तानसेन उनकी खिदमत में हो। ये बादशाह का हुक्म है या दरख्वास्त? बादशाह ने अपनी मंशा जाहिर की है। तो फिर इसका फैसला तो सिर्फ तानसेन ही कर सकते हैं। आपने क्या फैसला किया? 7 साल मैं रीवा दरबार की सेवा में रहा हूं, कैसे छोड़ सकता हूं? पर अकबर बादशाह के दीवान में गाने का मौका सभी को कहां मिलता है? फिर रीवा दरबार और मुगल दरबार में भला कहां है मुकाबला? सुना है अकबर बादशाह के दरबार में एक से एक गुणी लोग रहते हैं। हुसैनी, हम आगरा जा रहे हैं। तेनी लोक के ताप निवारण, तेनी लोक के ताप निवारण, सूर शाम सेवक सुखकारे, मोहन मुख परवारे, मोहन के मुख परवारे, मोहन के मुख परवारे, मोहन के मुख परवारे। वाह वाह, बहुत खूब पंडित जी, आप सचमुच तानसेन हैं। आज से मुगल दरबार में आपको मियां तानसेन कहकर पुकारा जाएगा। तो मियां तानसेन, मुझे बताओ कि तुमसे अच्छा कौन गाता है? मेरे गुरु हरिदास। यदि तुम श्रेष्ठ हो तो वे क्या होंगे? शुद्ध। मैं उनको दरबार में बुलाना चाहूंगा। गुस्ताखी माफ बादशाह, वे सिर्फ राधा कृष्ण के दरबार में गाते हैं। तो मैं उनके दरबार में चलता हूं। गुस्ताखी माफ हुजूर, वे केवल कृष्ण के लिए गाते हैं, वो भी राधा के कहने पर। तो क्या मैं उन्हें नहीं सुन सकता? उन्हें सुनने के लिए आपको अपनी बादशाहत को भूलना होगा। बिरबल, कोई हरिदास, कोई सूरदास, कोई तुलसीदास मेरे दरबार में क्यों नहीं आता? गुस्ताखी माफ हजूर, पर किसी हरिदास, सूरदास या तुलसीदास को ना आपसे भय है, ना आपसे या किसी भी व्यक्ति से किसी सुख की अभिलाषा, ना उन्हें यश और कीर्ति चाहिए, ना नाम, ना कोई वस्तु या अधिकार की कामना, इसीलिए उन पर आपकी हुकूमत नहीं चल सकती। और स्वामी हरिदास से मिलने तानसेन और अकबर वृंदावन पहुंचे। राधे, सुना है तू अकबर के दरबार का एक रत्न हो गया है? ये आपकी कृपा है स्वामी जी। अच्छा है, अच्छा है। अकबर गुणी रत्नों के प्रकाश में रहेगा तो चमकेगा, नहीं तो पत्थर ही रह जाएगा। 2-3 दिन बीत गए पर अकबर ने हरिदास के गले से एक स्वर न सुना। और अचानक, रामतनु। जी गुरुदेव। राधा रानी का हुक्म हो रहा है, लल्ला को कुछ सुनाओ। हरि नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर सांधे। हरि नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर साधे। हरि नाम को रामतनु, क्यों गलत गा रहे हो? राधा रानी कहेगी हमने तुम्हें ठीक से सिखाया नहीं।
चलो मेरे साथ सुर में सुर मिलाओ। हरि नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर साधे। हरि नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर साधे। हरि नाम को कही हरिदास कछु न चलत जब, कही हरिदास कछु न चलत जब, आवत हाथ की आंधे। हरि नाम को आलस क्यों करत है रे, काल फिरत सर साधे। हरि नाम को, हरि नाम को, हरि नाम को। बादशाह, इस फकीर का गाना पसंद आया? तुम्हारे आंसू तुम्हारे संगीत प्रेम की गहराई बयान करते, और मेरा राम तनु तानसेन इतना कच्चा नहीं हो सकता कि सुर साधने में कच्चा खा जाए। इतना तो मैं भी समझता हूं, मुझसे गंवाने के लिए उसने ये गलती की, और तुम्हें सेवकों की तरह झुकने की आदत भी नहीं है बादशाह। आओ बादशाह, यहां बैठो। जिज्ञासा और विनम्रता का मैं कायल हुआ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई मियां तानसेन, कि तुम श्रेष्ठ हो, तानसेन हो, फिर भी तुम स्वामी हरिदास नहीं हो। मैं उस फर्क को पकड़ नहीं पा रहा हूं। जहांपना, उसका संबंध गायकी से नहीं भावना की गहराइयों से है, और एक बड़ा फर्क है। मैं आपके लिए गाता हूं, पर गुरुदेव, गुरुदेव अपने आराध्य के लिए गाते हैं। वे प्रशंसा के लिए नहीं गाते, वे सुनने वालों की, भीड़ की, समाज की चिंता नहीं करते। वे सब कुछ राधा रानी और कृष्ण के लिए गाते हैं। उन्हें ना मूल्यांकन का भय है, ना अपयश का, और ना ही असफलता का। वे भाव से निर्भय होकर गाते हैं। तुम्हें किसका भय है तानसेन? जो पाया है उसे खोने का, जहां हूं वहां से गिरने का। पर स्वामी हरिदास इन सभी वासनाओं से मुक्त है। वे हर कार्य ईश्वर का ही कार्य समझकर करते हैं। जहां पना, मेरे गुरुदेव वो अवस्था पा चुके हैं जहां व्यक्ति और उसका कार्य एक हो जाते हैं। इसलिए मेरे गुरु मुझसे श्रेष्ठ हैं। रसिकों, इसीलिए जो कर्म सर्वोच्च को समर्पित हो और जो बिना अहंकार और निस्वार्थ भाव से किया जाता है वह कर्मयोग कहलाता है। वैसा कर्मयोग जो ईश्वर को समर्पित किया जाता है उसे ईश्वरार्पण बुद्धि कहते हैं। कर्तव्य करते समय ईश्वरार्पण बुद्धि और फल प्राप्त करते समय प्रसाद बुद्धि को ही कर्मयोग कहते हैं। प्रसाद बुद्धि यानी जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर सहर्ष स्वीकार करना, ताकि सफलता असफलता मान अपमान आदि सभी परिस्थितियों में समता बनी रहे। समत्वम योग उच्यते, कहने की आवश्यकता नहीं कि कर्मयोगी जिस भी कार्य को करने का निश्चय करता है उसमें सफलता और उत्कृष्टता को प्राप्त करता है।
योगः कर्मसु कौशलम, यानी कर्म में कुशलता ही योग है। तो ऐसी महानता है कर्मयोग। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फलहेतुर्भूः, मा ते संतोस्त्वकर्मणि। कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल पर नहीं। तुम्हारे कार्य का उद्देश्य फल नहीं होना चाहिए और ना ही निष्क्रियता में तुम्हारी आसक्ति। यस्य प्रसादात् भवमंगलार्थाः प्रसूत गंगोपनिषत् विशुद्धाः समर्पयामो गुरु चिन्मयाय भूयात् प्रसन्नस्य शिव स्वरूपः। Oh,